Hello everyone, today I am giving you IGNU BSHF 101 important topic chapter wise. Overall your books I have collected and I am giving you important topic chapter wise, which book is important, which chapter is important, that only I uploaded here, and the point where it is important topic, that only where there only I am going slowly. Wherever you will see red tick mark, that point you have to study. एंड रेस्ट ऑल नो नीड टू स्टडी. ये इसलिए मैंने बनाया है ताकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए भी ये ईजी हो स्टडी के लिए. सो आप यहाँ देख सकते हैं चैप्टर टू. चैप्टर फर्स्ट में कुछ नहीं है. चैप्टर टू में जहाँ ये आपको रेड मार्क्स दिख रहे हैं आपको इतना ही पढ़ना है. बाकी जगह आपको अच्छे सारे आपको जो चैप्टर्स मिलते जाएंगे जहाँ जहाँ आपको रेड मार्क्स दिखेंगे उन्हीं को आपको पढ़ना है. जैसा आप रीड कर सकते हैं उस जगह को मैंने स्लोली स्क्रॉल किया है उस पार्ट को, बाकी को फास्ट स्क्रॉल किया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सके. आप इतना समय मैं नहीं दे सकती कि जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि मैम स्लोली आपको वीडियो बनाना था, तो इतनी सारी बुक्स को अगर मैं स्लोली बनाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा. सो आप पॉज करिए और वो पर्टिकुलर एरिया को पढ़िए. आप पॉज करके इजीली आप जो एरिया पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं. ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जिनके पास स्टडी मटेरियल पहुँचा नहीं है, तो वो इससे भी स्टडी कर सकते हैं. सिर्फ मैंने उन्हीं चैप्टर को ऐड किया है जिसमें टॉपिक पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे. तो जहाँ जहाँ आपको रेड मार्क दिखेगा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं अंदर से. तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जहाँ जहाँ रेड मार्क है उन्हीं को ही पढ़िएगा, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है.
Thank you for watching and best of luck for exam.